हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का लैग फिक्स, ठीक है। एंड ये लैग फिक्स 100% काम करेगा। अगर ये लैग फिक्स काम नहीं किया, वर्क नहीं हुआ, तो कमेंट में बोल सकते हो। एंड ये लैग फिक्स का सारा फाइल डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देख लेना। एंड डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो की शुरू कर लेते हैं। पहले टी लॉन्चर ओपन करके नॉर्मल सा नॉर्मल विदाउट मॉडिफाई किया हुआ माइनक्राफ्ट लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। अभी लॉन्च हो रहा है, तो जब तक ये लॉन्च होगा तब तक आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेके वापस आ जाना, ठीक है। एंड पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी लॉन्च तो होना चालू हो गया। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे पे ग्राफिक कार्ड है, तो मेरे पे ग्राफिक कार्ड नहीं है। वो जीफोर्स वो जो नीचे है ना, ये जीफोर्स वो क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड गेमिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो जीफोर्स ग्राफिक कार्ड नहीं है। एंड अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं आपको टास्क मैनेजर ओपन करके परफॉर्मेंस पे करके जाके दिखा दूंगा। एंड देख सकते हो ये मेरा GPU 0 जो कि इंटीग्रेटेड है, ये सारा डिवाइस भी होगा, ठीक है। अगर AMD का CPU है तो आपको AMD का ऐसा कुछ शो करेगा, अगर इंटेल का है तो कुछ ऐसा शो करेगा, ठीक है। ये सारा ही डिवाइस पे होगा ये टाइप का। तो हमारा माइनक्राफ्ट तो ओपन हो चुका है। अभी इसके सिंगल पेयर पे जाके एक बार नॉर्मल वोल्ट ओपन करके ट्राई कर लेते, ठीक है। तो चलो सिंगल पेयर पे। उसके बाद जो ये दो वोल्ट है, टेस्ट विद मोड एंड टेस्ट विदाउट मोड, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए मेरा वोल्ट, मैंने वोल्ट का नाम रखा है, ठीक है। इस ये वोल्ट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, दोनों वोल्ट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। पहले विदाउट मॉडिफिकेशन वाला जो वो वाला वो उस नाम का वोल्ट ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ओपन करते ही नॉट एक्सपेंडिंग आ चुका है, ठीक है, फुल लैग कर रहा है, ठीक है। एंड मेरा माउस भी अटक अटक के चल रहा है। तो अभी जो वोल्ट जनरेशन का टाइम वो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत टाइम लेगा, नीचे 4 बज के ऐसे कुछ हुआ है। मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मेरे का अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आप लोग नीचे टाइम चेक कर सकते हो कि कितना टाइम लगता है इसको ओपन होने के लिए, वरना वीडियो के टाइम से भी देख सकते हो कितना सेकेंड या मिनट लग रहा है इसको ओपन होने के लिए। तो अभी तो 1% हो रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। एंड मैं अभी कोई भी स्किप नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये फुल विदाउट स्किप होगा वीडियो, ना कट करूँगा ना स्किप करूँगा। तो चलो वेट करते कितना टाइम लगेगा। अभी तो 24 ऐसा ही हो रहा है। तो मेरा 4GB रैम वाला है, ठीक है, 4GB नहीं 8GB रैम वाला है, सॉरी। एंड इससे पहले डिवाइस 4GB था, उधर मेरा ऑलमोस्ट ये सारा मॉडिफिकेशन करने के बाद उधर FPS 90 तक जा रहा था मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो चलो किसी भी वर्जन पे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे वर्जन पे काम करेगा, ये मेरा गारंटीड है। तो अभी वोल्ट भी जनरेट हो चुका है। तो देखो लोडिंग, जब वोल्ट लोडिंग हो रहा है तब भी नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल रहा है बार, मेरा थोड़ा लैग भी कर रहा है। एंड मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उससे तो और ज़्यादा लैग करेगा। एंड हमारा वोल्ट जनरेट हो चुका है। तो अभी बैक टू गेम करते चलो। एंड अभी थोड़ी देर के लिए जनरेट होने के लिए रहने देते। अभी थोड़ा वोल्ट जनरेट हो रहा है, पहले एक राउंड मार लेते। एंड आप लोग देख सकते हैं कि कितना लैग कर रहा है। तो FPS भी 3 है, 3 से 4 है, एंड उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो आपको मैं जाके वीडियो सेटिंग भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो वीडियो सेटिंग पे सारा लो है, ठीक है, ग्राफिक भी फास्ट पे है। एंड रेंडर डिस्टेंस वगैरह सारा लो है, ठीक है। एंड सेम ऐसा ही मॉडिफिकेशन करने के बाद भी सेम ऐसा ही होगा, तो इसको मैं कोई चेंज नहीं करने वाला, बोथ पे इक्वल टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ आपने देख लिया, तो मैं फिर से वापस वोल्ट पे चला जाता हूँ। तो अभी तो 15 तक जा रहा है मेरा FPS, ठीक है, 15 तक जा रहा है। एंड थोड़ी देर लोड होने के बाद ऑलमोस्ट 30 तक जाएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लैग कर रहा है, कितना बहुत ज़्यादा ही लैग कर रहा है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शायद से आपका इतना ज़्यादा लैग भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी चलो लैग फिक्स कैसे करते हैं, उधर चलते हैं, अब लैग फिक्स करते हैं। तो इस वोल्ट को एक गैप को क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करने इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। एंड रिफ्रेश करने के बाद सर्च पे जाके गेम मोड सर्च करेंगे, ठीक है, गेम मोड सर्च करने
गेम मोड, गेम मोड सेटिंग, गेम मोड सेटिंग को ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद इस एक गेम मोड को ऑफ करना है। एंड एक गेम मोड क्यों ऑफ करें, इससे तो हमारा ये मोड का नाम ही गेम मोड, इससे तो हमारा सिस्टम बूस्ट होगा, गेम प्ले कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे ऑफ करने से अगर ये ऑन है तो आपका रैम या सीपीयू कुछ ज़्यादा ही यूज होगा, अगर इसको ऑफ करोगे तो नॉर्मल यूज होगा, इसीलिए इसके वजह से आपका एफपीएस बूस्ट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको इसे ऑफ करना चाहिए। अगर इस ये ऑफ करने से आपका लैग उतना एफपीएस नहीं हाई हुआ तो उसको ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सबॉक्स गेमर, इसको बिल्कुल ऑफ करना पड़ेगा, इसको ऑन करने का ही नहीं। अगर ये ऑन है तो आपका बैकग्राउंड पे ये एक्सबॉक्स गेमर रन होगा, ठीक है। अगर इसको ऑफ करोगे तो कोई भी रन नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा सीपीयू यूज नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा डैमेज नहीं। तो ये तो हो चुका है। अब दूसरा काम करेंगे, दूसरे काम के लिए सर्च पे जाके ग्राफिक सेटिंग सर्च करेंगे, ठीक है। ग्राफिक सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद रुको, मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद ब्राउज पे चलते हैं। ब्राउज पे जाने के बाद इधर हमें एक तो फाइल लोकेशन पता करना होगा। तो टी लेंसर का फाइल लोकेशन पता करने के लिए टी लेंसर ब्राइट क्लिक करें, एंड उसके बाद ओपन फाइल लोकेशन, उसके बाद इधर ऊपर क्लिक करके ये जो इसको कॉपी कर लेना फाइल लोकेशन, उसको कॉपी करने के बाद इधर आके पेस्ट कर लें। इधर पेस्ट करने के बाद इंटर कर दिए, एंड इंटर करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके टी लॉन्चर को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद हाई परफॉर्मेंस सेव, ठीक है। तो थोड़ा मेरा हिंदी इधर उधर हो रहा है क्योंकि मैं नेपाल से हूँ, सो इतना मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो अभी दूसरी चीज़ भी ऐड करना होगा उधर। तो दूसरा चीज़ ऐड करने के लिए इधर टास्क मैनेजर ओपन करके इसको ये जावा वाला है ना, ये इसको राइट क्लिक करना, ठीक है। इसको राइट क्लिक करना, एंड राइट क्लिक करने के बाद सेम वैसा ही स्टेप है, राइट क्लिक करने के बाद इसका फाइल लोकेशन को ओपन कर लेना, ओपन फाइल लोकेशन कर लेना। उसके बाद ऊपर क्लिक करके पहले ब्राउज पे जाके इधर जाके ऊपर क्लिक करके इसका वाटर लोकेशन फाइल लोकेशन को कॉपी कर लेना। शायद कॉपी नहीं हुआ, फिर से कॉपी करने की कोशिश करते, ठीक है। अब जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट हो चुका है, इंटर करके नीचे आके javaw.exe को ओपन कर, उसको ऐड कर लेना है। javaw को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद इसको भी ऑप्शन में जाके हाई पे सेट करके रख देना। दोनों को हाई पे सेट करने के बाद इसको क्लोज कर लिए। इसको क्लोज करने के बाद फैब्रिक इंस्टॉलर को ओपन कर लिए, ठीक है। ये सारा डाउनलोड किसे करना है, वो सारा डाउनलोड लिंक मेरा डिस्कॉर्ड चैनल पे मिल जाता है, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। ये मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा नेट चला गया था, मेरा लाइन चला गया था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। इसको इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट का हेल्प चाहिए। अगर पहले इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल होने के बाद इसको कोई इंटरनेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर फर्स्ट टाइम ओपन करके इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट का ज़रूरत होगा, ठीक है। तो ये तो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो इसको इंस्टॉल करने इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। मिस्टेक मेरे मुख से ही बता देते, इसको ओपन कर ले। ओपन करने के बाद माइनक्राफ्ट का वर्जन सेलेक्ट कर ले, ठीक है, 1.19.3 सेलेक्ट करना है। उसके बाद फैब्रिक का भी वर्जन होगा, तो वो ऑलरेडी खुद पे सेलेक्ट हो चुका होगा। तो सिंपल सा इंस्टॉल क्लिक करना है, एंड उधर इंस्टॉल क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इससे लैग फिक्स हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड लाइक कर लेना वीडियो को। एंड वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन पे जाके वर्क किया तो वर्क लिख देना, अगर नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके मेरे से बात कर सकते हो। तो उसके बाद टी लेंसर को ओपन कर लो, ठीक है। फैब्रिक को इंस्टॉल करने के बाद टी लेंसर को ओपन कर लो। टी लेंसर ओपन का हो रहा है अभी, ठीक है। एंड टी लेंसर ओपन होने के बाद नीचे फाइल वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ब्राउन कलर का सर्कल है ना, उसके बगल पे एक फाइल का ऑप्शन है, उधर फाइल पे क्लिक कर लीजिए। एंड उसको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ओपन होगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिक्स लैग वाला फोल्डर को ओपन कर लेना। फिक्स लैग वाला फोल्डर को ओपन करने के बाद ये सारा है, एंड
मैं फिर से बोला कि फिक्स लैग वाला फोल्डर किधर मिलेगा, वो डिस्कर्ड पे मिलेगा, तो डिस्कर्ड ज्वाइन कर लीजिए। एंड ये है फिक्स लैग पे ऑलमोस्ट 27 मोड है, ठीक है। तो जो फाइल हमने टी लंचर के ये फोल्डर पे क्लिक करके ओपन किया था, उसको उस उधर जाके नीचे स्क्रॉल करके मोड वाला फोल्डर को ओपन कर ले। एंड उसको ओपन कर लेने के बाद सारा फाइल को कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी या मूव भी कर सकते, कॉट भी कर सकते, कोई भी कर लेने पर इधर डाल देना है मोड वाले फोल्डर को। उधर डालने के बाद ठीक है सारा काम हो चुका है। एंड मैं आपको कुछ दिखाऊंगा इधर, ठीक है। इधर एक पर्पल क्लाइंट है, ठीक है। ये इस क्लाइंट के मदद से FPS और ज़्यादा बूस्ट होगा, ठीक है। वो भी उसी फाइल के अंदर है। तो उसके बाद इधर आके रिफ्रेश कर लेना, ये जो सर्कल वाला एरो है उसको क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद आपका वो फैब्रिक का वर्जन सेलेक्ट कर लेना है जो आपने इंस्टॉल किया है, इधर ही शो करेगा। उसके बाद इंटर कर लेना है। तो अभी मेरा इंटरनेट नहीं है तो इसलिए ये ईरर आ रहा है, पर कोई ये ईरर मतलब ये आप मैं मल्टीप्लेयर खेल नहीं पाऊंगा, ये कुछ ऐसा बोला है टी लंचर यूजर को पता होगा। एंड टी लंचर पर ही नहीं, सारे माइनक्राफ्ट जिसने खरीद लिया है उस वो भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ओपन हो रहा है मॉडिफिकेशन होने के बाद, तो थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। कोई लैग नहीं है अभी, मेरा माउस भी कोई लैग नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, वेट तो कर ना सकते हैं ना, सब सबर का फल मीठा होता है। तो अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, इतनी देर भी जाके जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना वो फाइल डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। एंड प्लीज वॉच वीडियो फुल लास्ट तक देखना, ठीक है। तो अभी फिर से एक बार रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा मेरा वो रैम कुछ एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ओपन के लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अभी ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ओपन होते ही इधर पर्पल क्लाइंट शो करेगा। देखो जो उधर हमने मोड फोल्डर इंस्टॉल किया है उससे काम होना चालू हो चुका है। तो इधर आके अब हम जाएंगे सिंगल पेयर पे। सिंगल पेयर पे जाने के बाद टेस्ट विद मोड वाला वोल्ट ओपन कर लेंगे। ये वोल्ट आपके पास नहीं है, आप खुद क्रिएट कर सकते हो वोल्ट, ठीक है, सिंपल क्रिएट नहीं वोल्ट करके। तो पहले हम ज्वाइन करेंगे टेस्ट विद मोड। अब टेस्ट हमने मोड डाला है तो टेस्ट विद मोड वाले वोल्ट ओपन कर लेते हैं ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोडिंग होने के लिए कितना टाइम लगेगा। जो अब नॉट रिस्पॉन्डिंग भी बोला, पर इतनी देर के लिए नहीं बोला जो पहले विदाउट मॉडिफिकेशन के समय पे बोल रहा था। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि एक सेकंड पे ये फुल लोड कंप्लीट हो जाएगा। देखो अभी जीरो है, ठीक है। अब देख सकते हो डायरेक्ट 100 हो गया है, ठीक है। मैंने कोई कट नहीं किया बीच में, आप लोग टाइम भी चेक कर सकते हो नीचे, वो जो 443 ऐसा ही कुछ हुआ है उधर टाइम चेक कर सकते हो। तो अभी थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं एंड वोल्ट भी ओपन होने वाला है। तो अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल रहा है, तो वोल्ट ओपन हो चुका है। तो वोल्ट ओपन होते ही हम लोग ऑप्शन पे जाके एंड वीडियो सेटिंग में जाके कुछ मैं सारा सेटिंग दिखा देता हूँ क्योंकि ये पर्पल क्लाइंट डाउनलोड किया है ना, हमारे पास सोडियम भी इंस्टॉल है। तो उसके बाद कुछ ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है। तो इधर जाके मेरा जो जो सेटिंग है सारे को कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं सारा शो कर दे रहा हूँ आप लोगों को इधर, तो सारा इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। फुल स्क्रीन सारा कॉपी कर लेना सारा जो मेरा है एंड फुल स्क्रीन को ऑन करके खेल सकते हो, ठीक है। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने उसको ऑफ किया है, फुल स्क्रीन ऑन करके खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ऐसा है मेरा सेटिंग, ठीक है। एंड उसके बाद क्वालिटी भी देख सकते हो, देखिए क्वालिटी पे भी जाके मैं शो कर देता हूँ। एंड ये VS साइनिंग को इसको ऑफ ही कर लेना एंड मैक्स फ्रेम रेट को फुल करके रहने देना, ठीक है। उसको फुल करने के बाद उधर अल्टीमेट शो करेगा मैक्स फ्रेम रेट के बाद। मैं तो सारे इसको कॉपी कर लेना मेरे, ठीक है। व्यू बबिंग को मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेरा FPS थोड़ा डाउन हो रहा था क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है। तो व्यू बबिंग से ऑन करने से क्या होगा कि जो जब आप पहनोगे ना तो तब वॉकिंग टाइम पे वो वॉकिंग एनिमेशन ऑफ कर देगा, ठीक है। तो आप स्मूथ वॉकिंग शो करेगा, ठीक है। तो कोई डिवाइस उसको ऑन करने से FPS हाई मिलता है, कोई कोई को ऑफ करने से FPS हाई मिलता है। तो मेरे को ऑन करने से FPS हाई मिला था तो मैं उसको ऑन ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो इधर ग्राफ क्वालिटी पे आके सारा चीज़ मेरा कॉपी कर लेना, ठीक है। कुछ ऐसा है सारे चीज़ को कॉपी। तो मैंने बोला था कि आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना, तो वो क्यों बोला था कि इस सेटिंग को शो करने के लिए मैंने बोला था कि लास्ट तक देखना। तो कुछ ऐसा है मेरा सेटिंग, सारे कॉपी कर लो एंड आप लोग
आपको देख भी सकते कि कितने FPS का डिफरेंस आ रहा है पहले से एंड अभी। पहले तो कितना लो था ना, कितना ऑलमोस्ट 20 तक ही जा रहा था, अब देख सकते अब 2 गुना 3 गुना ज़्यादा FPS आ रहा है। जो ये CPU वाला है ना, इसको फुल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जितना भी आपके डिवाइस पे शो कर रहा है उस उधर फुल सेलेक्ट करके रहने देना, एंड बाकी सब इधर मेरा कंप्यूटर कर लेना है। एनिमेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर लेना, बाकी सबको ऑन टेक कर लेना, ठीक है, सेम टू सेम मेरा कॉपी कर लेना। उसके बाद इधर कोई नेक्स्ट ऑप्शन पे कोई चेंज नहीं करना है, डिटेल्स पे भी कोई चेंज नहीं, एंड बाकी पे कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, बस अप्लाई करके डन करके अब आप देख सकते हैं कि FPS शो हो रहा है। पहले बस 10 ऐसे ही कितना था, अब उसके बाद देख सकते हैं कि 100 के ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, 100 के ऊपर है। नेक्स्ट FPS देख सकते हो कितना है एंड एवरेज FPS कितना है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर FPS वाला सेटिंग काम किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।